नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत गोस्वामी और आप देख रहे हैं जी स्मार्ट केयर। दोस्तों आज लेके आओ बेटनोवेट सी क्रीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए जिससे दोस्तों आपको सही जानकारी मिल सके और सही तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यह बेटनोवेट सी क्रीम GSK कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। 30 ग्राम का दोस्तों ये पैक आता है और 48 रुपीज़ दोस्तों इसका दाम है और कोई भी मेडिकल स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये हो गया दोस्तों इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं दोस्तों कंपोजिशन की, तो बेटामेथासोन एंड क्लिनोक्विनोल इसमें कंपोजिशन दिए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों मेनली किस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर दोस्तों आपके पूरी बॉडी में स्किन के ऊपर एक्सटर्नल यूज़ के लिए कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो स्किन के ऊपर, तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों चेहरे पे पिंपल्स होना, ये एक दोस्तों स्किन इन्फेक्शन ही है। ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दांत खाज खुजली है दोस्तों, तो वो एक फंगल इन्फेक्शन हो गया, तब भी दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत से दोस्तों लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है चेहरे पर, गर्दन पर या हाथ पैर पर कहीं पर भी, तब भी दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हो। फोड़ा फुंसी हुआ तो भी दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हो। हल्का सा स्किन छिल गया हो, चोट लगा हो, तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल पर्पज़ के लिए दोस्तों बेटनोवेट सी इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था कि क्या इसको गोरा होने के लिए फेस पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपके चेहरे पे ऊपर आपको पिंपल्स हुआ है तो आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक, जब तक आपको दोस्तों पिंपल्स ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इस्तेमाल ना करें। उसके बाद दोस्तों अगर काली छाई है तो इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको काली छाई बहुत सारी है दोस्तों तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 1 हफ्ते तक, 10 से 15 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बेटामेथासोन एक दोस्तों स्टेरॉयड है। ठीक है, आपको इमिडिएटली आपके स्किन को दोस्तों गोरा कर देगी। ठीक है, लेकिन जब आप इसको छोड़ोगे तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं स्टेरॉयड की वजह से। ठीक है, तो कभी भी इसको रेगुलर बेसिक्स के ऊपर इस्तेमाल ना करें। आप बॉडी में अदरवाइज पार्ट पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चेहरे पे इसका इस्तेमाल ना करें लॉन्ग टाइम के लिए। आप 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हो, रेगुलर डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। आपका चेहरा बहुत ख़राब हो जाएगा और आपको बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप बॉडी के ऊपर दोस्तों जब तक आपको फ़ायदा मिल जाए तब तक इस्तेमाल कर सकते हो। लॉन्ग टाइम तक दोस्तों इस्तेमाल ना करें, ये स्किन को दोस्तों पतली बना देता है। ठीक है, तो आपको फिर बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल ना करें। आप पार्ट टाइम के लिए, थोड़े बहुत दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अगर रियल में आपको कोई प्रॉब्लम है फेस के ऊपर तब। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लेना।